नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत दिनों के बाद अच्छी खबर आई झारखंड में कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने स्वयं से सभी विभाग के रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। पूरी खबर आपको बताएंगे, साथ ही साथ ये जानकारी दे दें कि जो भी लोग जेटेट की तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन कर सकते हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ करके। जेपीएससी की बैचेज ऑलरेडी चल रही है, नए बैचेज शुरू होने वाले हैं, इसके लिए भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो 9431156794 नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। हमें ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं vinayiasacademy.com पर जाकर, और vinayiasacademy.com टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करेंगे तो प्रतिदिन की करेंट अफेयर्स जो एग्जाम के पर्पज से वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं सभी विभागों से ये पूछा है कि वहां कितने पद खाली हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स के मन में अब थोड़ी खुशी जरूर से आएगी, उन्हें अच्छा लगेगा कि कई दिनों से, कई महीने से वो इंतजार में थे कि जल्द से जल्द वैकेंसी लाई जाएगी। अब मुख्यमंत्री एक्शन मोड में दिख रहे हैं। पहले कोरोना के चलते परेशान थे, लेकिन अब लगता है कि वैकेंसी लाई जाएगी, खास करके स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, सचिवालय में, ब्लॉक स्तर पर सभी रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। झारखंड में इस समय कुल मिलाकर के 1,87,000 वैकेंसी खाली है। 1,87,000 वैकेंसी में सरकार अब ये प्लानिंग कर रही है कि 2021 से 2020 में वैकेंसी नहीं आएगी, 2021 से प्रत्येक वर्ष अब एक पार्ट वाइज करके वैकेंसी लाई जाएगी। प्रथम चरण में कुल 32,000 वैकेंसी लाया जाएगा, जिसमें सचिवालय कर्मी से लेकर के जो नए वैकेंसी हैं, जेपीएससी की वैकेंसी, जेएसएससी की वैकेंसी और टीचर की वैकेंसी शामिल है। यानी कि 32,000 वैकेंसी का आना तय है। मुख्यमंत्री ने स्वयं से कहा है कि जो भी रिक्त पद है, सभी रिक्त पद के बारे में उन्हें जानकारी दी जाए। जेपीएससी और जेएसएससी में नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद से ही एक कयास लगाया जा रहा था कि वैकेंसी जल्द से जल्द आ जाएगी। ऐसे में जाहिर सी चीज है कि स्टूडेंट्स का इंतजार था, अब सारे स्टूडेंट्स तैयारी में फिर से लग जाएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री ने ही हरी झंडी दे दी है। जेपीएससी की वैकेंसी भी आने वाली है। अमिताभ चौधरी उन तमाम चीजों पर देख रहे हैं नियमावली को कि जिससे किसी प्रकार की दिक्कत भविष्य में नहीं हो, क्योंकि अगर आप जेपीएससी की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नियमावली को लेकर होती है, क्योंकि नियमावली में कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता है। ऐसे में हर उम्मीद और संभावना बिगड़ जाती है। अगर आपकी उम्मीद होती है कि मार्च महीने में वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आती भी है तो वो नियमावली के जाल में उलझ जाती है और स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमने ऐसे कई सवाल स्टूडेंट से पूछे थे। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि झारखंड में नियमावली के चलते ही दिक्कत होती है, यानी कि झारखंड में नियमावली को लेकर ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। जो लोग नियमावली सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, को नहीं समझ पाते हैं, झारखंड सरकार अगर नियमावली सही प्रकार से बना देती है तो वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम होने की दिशा में भी आसार बढ़े हैं, क्योंकि सरकार ये चाहेगी कि जो वैकेंसी फिलहाल पेंडिंग है उस पेंडिंग वैकेंसी को पहले क्लियर किया जाए और तब नई वैकेंसी लाई जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट बहुत जल्दबाजी नहीं दिखा रही है, बल्कि गवर्नमेंट की योजना यह है कि इस बार जो वैकेंसी लाई जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या टीचर विभाग में वैकेंसी आएगी। टीचर विभाग में इस समय में 97,000 पद सरकारी आंकड़ों में खाली है, 97,000 टीचर के वैकेंसी खाली है। 97,000 को गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि उसकी जो बची हुई 4 वर्ष अभी है, इस 4 वर्षों में वैकेंसी लाया जाए। यानी कि 4 वर्ष में अगर 97,000 को अगर आप देख लेते हैं तो तकरीबन 25,000 वैकेंसी टीचर के प्रत्येक वर्ष आने चाहिए। ऐसे में गवर्नमेंट पहले चरण पर जो वैकेंसी निकालेगी उसमें से पारा शिक्षकों के लिए भी सीट रिजर्व होता है, तो ये कोशिश करेगी कि 2016 और 13 के टेट पास वाले के लिए एक अच्छी शुरुआत मिले उनको कम से कम। और नई टेट को लेकर के भी सरकार लेने का सोच रही है, जो 2020 वाली टेट नहीं हो पाई ये 21 में होगी, और इसके लिए भी रूपरेखा तैयार की जा रही है कि पुरानी चीजों में अगर कोई परिवर्तन करना है
तो वो करते हुए इसको लाया जाएगा। हम आपको ये भी जानकारी साथ में दे दें कि झारखंड में टीचर की वैकेंसी सबसे ज्यादा इस समय में खाली है, इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी है और तब जाके सचिवालय कर्मी और पंचायत लेवल पर जो वैकेंसी है। सभी वैकेंसी को लाने की योजना चल रही है जरूर से, लेकिन देखना होगा कि गवर्नमेंट ने ये राय मांगी है। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में झारखंड सरकार के पास हर विभाग का लेखा जोखा पहुंच जाएगा, जो जो विभाग में वैकेंसी खाली है पहले सप्ताह में चला जाएगा। तो उसमें अगर आप देखें तो 15 से 20 दिसंबर के बीच में ये तय हो जाएगा कि कितनी वैकेंसी किस किस विभाग में है। उसके बाद नोटिफिकेशन आएगी विधिवत और उसमें डेट दिया जाएगा। तो कोई भी पहली परीक्षा जो होगी ये मार्च अप्रैल से पहले नहीं हो पाएगी। मार्च अप्रैल 2021 के पहले झारखंड में जो फर्स्ट एग्जाम होगा कोई नई वैकेंसी का, तो कम से कम मार्च अप्रैल लग जाएगा। तो आपको अपनी तैयारी में शुरू कर देना है ताकि आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ प्रकार से रख पाए। अब आपको हम ये बताएंगे कि जेपीएससी पर भी वैकेंसी आने वाली है। तकरीबन इस पर 500 से ज्यादा वैकेंसी आएगी। बहुत ज्यादा वैकेंसी की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि तीन एग्जाम एक साथ होगा, सातवीं आठवीं नौवीं, तो 1000 वैकेंसी आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तकरीबन 500 के आसपास में ही वैकेंसी रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। कोई नया परिवर्तन जेपीएससी में नहीं हो रहा है, सिलेबस को लेकर के नहीं हो रहा है, ना उसके पैटर्न को लेकर के हो रहा है। सिर्फ परिवर्तन हिंदी अंग्रेजी के मार्क्स पर क्लियर कट डिसीजन रहेगा कि इसे जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा। और जो बच्चे रिजर्वेशन कैटेगरी में पीटी पास कर जाते हैं, क्या उनको वहीं से रिजर्वेशन मिलेगा, मेंस में मिलेगा और इंटरव्यू में मिलेगा? और जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो जिसका ज्यादा नंबर आया है क्या उसको रैंक अच्छा मिलेगा? अगर वो जनरल में चले जाते हैं कैंडिडेट और जनरल में उनका रैंक अच्छा नहीं रहता है, तो क्या एससी एसटी कैंडिडेट को फिर वो रैंक दिया जाएगा एससी एसटी वर्ग में? ये एक समस्या था जिसका समाधान नहीं हो पा रहा था, तो इसको दूर किया जाएगा। फिलहाल छठी वाले में जो भी दिक्कतें आई हैं इसको दूर करने की योजना होगी और परीक्षा को पारदर्शी रखा जाएगा, ये उम्मीद की जा रही है। अगर ये होता है तो हेमंत सोरेन सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान अगर इस राज्य में कोई है तो वो युवा वर्ग है, जो परीक्षा लिख करके परेशान है। कुछ लोग वर्षों से इंतजार कर रहे हैं परीक्षा लिखने का, कुछ लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं तो बीच में सिलेबस बदल जाता है, और फिर जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए दिक्कत है। तो इन सभी चीजों पर हम आपको बता दें कि झारखंड सरकार इस समय में कृत संकल्प है, और जिस प्रकार से अब काम हो रहा है इससे नजर आ रहा है कि जो 32,000 वैकेंसी होगी ये 2021 में आ जाएगी, और इसके लिए पहले प्रयास चल रहा है। तो ये अच्छी खबर है। सोनी कुमारी पर अभी कुछ भी नहीं हुआ है, आगे उसमें फिर एक डेट ऐसे मिलते जाता है। तो सोनी कुमारी पर सुप्रीम कोर्ट की जब जजमेंट आ जाएगी तो खास करके क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरी का रास्ता पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये सरकार को भी उम्मीद है कि दिसंबर महीने में इस पर भी जजमेंट आ जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट अपनी तैयारी कर रही है और पंचायत सचिव को लेकर विधि विभाग अभी तक अपनी राय नहीं सौंपी है कि इसका रिजल्ट निकाला जाए या फिर नहीं निकाला जाए। तो ये अच्छी खबर आज की थी, जिसमें हेमंत सोरेन ने वैकेंसी निकालने को लेकर हर विभाग को निर्देश दिया है कि कहां कहां पर कितना पद इस समय खाली है, जो वैकेंसी को लाया जाए। अब आपको हम ये जानकारी देंगे कि झारखंड में अगर आप देखें तो इस वक्त में जो खबर आ रही है इसके मुताबिक झारखंड में वैकेंसी आएगी ये निश्चित है। आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान को अपनाया गया था। भारत का संविधान के कुछ महत्वपूर्ण चीज हैं जिसे हम बताना चाहेंगे आपको, कि भारतीय संविधान का आर्किटेक्ट जो थे, आप जैसा जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर को पूरी जिम्मेवारी दी गई थी। हालांकि हमारे संविधान सभा में 389 मेंबर्स थे, और उन तमाम मेंबर में जब पाकिस्तान का गठन हो रहा था तो 90 मेंबर वहां चले गए थे, 90 मेंबर चले गए थे, भारत में रेस्ट मेंबर बच गए थे। और एक कमेटी बनी थी, 29 अगस्त को एक कमेटी बनाई गई थी 1947 में, जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी।
ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी कमेटी के हेड थे। क्यों इनको कहा जाता है संविधान निर्माता? क्योंकि जितनी भी कमेटी बनी थी, जैसे झंडा कैसा होना चाहिए भारत का, मौलिक अधिकार कैसा होना चाहिए, देसी रियासतों को क्या अधिकार मिलना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए, कर्तव्य कैसा होना चाहिए, इन सभी चीजों के लिए कमेटी बनाई गई थी। और ये सारे कमेटी अपनी रिपोर्ट जाकर के सौंपती थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसके अध्यक्ष थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी जो था, जिसमें B.N. राव सलाह देते थे उन्हें, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष होने के चलते ही सभी कमेटी की रिपोर्ट को जांचते थे और उसके बाद उन चीजों को अपनाते थे। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहते हैं। संविधान जो था हमारा 26 नवंबर को अपना लिया गया था, लेकिन उस समय पूर्ण आजादी भारत को नहीं मिली थी, इसलिए 26 जनवरी 1950 से उसी संविधान को लागू किया गया और भारत एक रिपब्लिक बना, एक गणतंत्र बना, जहां पर हमारे देश के हेड प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया 24 जनवरी 1950 को, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक इलेक्टेड हमारे प्रेसिडेंट होंगे। और यही कारण है कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन जब 26 जनवरी को हमारे यहाँ पर जो रिपब्लिक डे होता है वो मनाया जाता है। संविधान को बनाने में 1-2 दिन का वक्त नहीं लगा है, बल्कि काफी ज्यादा समय लगा है। हमारे संविधान को बनाने में आप जानते होंगे कि लगभग 2 साल से काफी ज्यादा वक्त, 2 साल 11 महीना और 17 दिन लगा है। तो इतना लंबा समय तक संविधान को समझने में 60 देशों से हमारा संविधान लिया गया है, 60 कंट्री से हमारा संविधान लिया गया है। और उसमें ये प्रावधान रखा गया है कि जो संविधान हमें मिला है उसमें अगर चाहें तो हम बदलाव कर सकते हैं। बदलाव करने के लिए भी कई प्रोसेस दिया हुआ है कि साधारण चीजों पर साधारण बदलाव होगा, बड़े चीजों पर बड़ा बदलाव होगा, और जो राज्य के संघीय ढांचे को डैमेज करेगा या फिर उसको चेंज करेगा तो उसके लिए और बड़ा बदलाव होगा, जिसमें राज्य के विधानसभा की बदलाव भी जरूरी होगी। आपने हाल में सुना होगा 370 आर्टिकल को लेकर कई विवाद हुआ था, अभी तक कई ऐसी पार्टियां हैं जो उसके पक्ष में हैं। तो ये भी संविधान का हमारा खासियत था कि उसे हटाने की प्रोसेस दी हुई थी। इसी प्रकार से आज का बनने वाला लव जिहाद कानून भी संविधान के दायरे में है। संविधान का अनुच्छेद 21 यह जरूर बताता है कि हर व्यक्ति अपनी अपने अनुसार सोचेगा, अपने अनुसार सब कुछ करेगा। संविधान में 25 से 28 के बीच मौलिक अधिकार में बताया गया है कि आप अपने धर्म को फैला सकते हैं भारत में शांतिपूर्वक। ये वर्ड को ध्यान दीजिएगा कि शांतिपूर्वक लिखा हुआ है। जो लोग आज बहस कर रहे हैं इस पर, उन्हें समझना पड़ेगा कि आप जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, धोखा देकर के नहीं कर सकते हैं, किसी को बहलाकर फुसलाकर नहीं कर सकते हैं। तो वहां एक कानून संविधान का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि आज देश की परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब संविधान को लेकर हर कोई बहस करता है कि भारत का संविधान ही गलत है। हमारे देश में संविधान में बैलेंस सिस्टम रखा गया है, जिसमें पार्लियामेंट पर कंट्रोल जुडिशरी का होता है और जुडिशरी पर कंट्रोल पार्लियामेंट का होता है, और कार्यपालिका को दोनों को निर्देश देती है। यानी कि हमारे देश का संविधान को वर्ल्ड का सबसे अच्छा संविधान इसलिए ही कहा जाता है। अगर आप अमेरिका, जो सबसे बड़ा सुपर पावर है, वहां की संविधान की बात करेंगे तो वहां के संविधान में न्यायपालिका सर्वोच्च हो जाती है। अगर न्यायपालिका कोई भी डिसीजन दे देती है तो वहां डेमोक्रेसी उतना प्लेफुल कंडीशन में, उतना एंजॉयमेंट कंडीशन में नहीं रह पाता जितना कि भारत में रहता है। अगर आप इस्लामिक देश सऊदी अरब और ईरान इराक के कानून की बात करेंगे तो हमारे संविधान से एकदम अलग है। वहां पर आज भी 100 साल पुराना कानून चल रहा है, जिसमें सीधा सीधी एक दिन के अंदर आपको सजा सुना दी जाती है और उसी समय में उसे मुकर्रर भी कर दिया जाता है। लेकिन भारत में ही आपने देखा होगा कि संविधान एक आतंकवादी को भी बचने का पूरा मौका देता है कि वह अगर निर्दोष है तो उसे अगर फंसाया गया है तो वो बचेगा, ना कि उसे तुरंत सजा दे दिया जाएगा। हालांकि इस संविधान के कई लोग मिसयूज करते हैं, कई लोग
संविधान का मजाक बनाते हैं और कई ऐसे अपराधी हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में कहा, जो विधान आपके क्षेत्र के विधायकों को भी देख लें, बहुत से लोगों के ऊपर क्रिमिनल चार्ज जरूर से चल रहा होगा, बहुत से ऐसे सांसद होंगे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज चल रहा होगा और वो आज हमारे लिए कानून बना रहे हैं। हमारे देश के जिम्मेवारी उन लोगों पर हमने दे दिया है जो लोग के ऊपर कई मुकदमे दायर हैं। हालांकि वो बार बार कहते हैं कि उन्हें कोर्ट से सजा नहीं मिला है और हमारा कानून भी कहता है कि जब तक किसी को कोर्ट से सजा नहीं मिल जाए आप अपराधी नहीं कह सकते हैं। बल्कि आपने सुना होगा अभी एक दो दिन पहले ही कि रांची से लालू प्रसाद यादव का फोन का मामला आया कि वह जेल के नाम पर आराम से बंगलों में है, तीन तीन वर्ष से बंगलों में है, आराम की जिंदगी जी रहे हैं और वहां से फोन से सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। ये सब कुछ हमारे संवैधानिक दायरे में हो रहा है, यानी कि हमारा संविधान ये परमिशन देता है कि कोई अगर बीमार है तो वो बीमारी के नाम पर जितना भी बड़ा आलीशान मकान में रह सकता है और वहां की राज्य सरकार उसे किस प्रकार की सुविधा देती है। हाल के दिनों में ऐसी कई चीजों का आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जब रिपब्लिक टीवी के अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट कर दिया गया था तो संविधान का वहां मजाक बनाया गया था, जिस केस में अरेस्ट किया गया था उसे नहीं करना चाहिए था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम वॉच करेंगे, हम नजायज होने नहीं देंगे। हालांकि कई लोगों का तर्क है कि ऐसे कई मुकदमे भारत में भरे पड़े हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन ये भारत ही है जहां पर हर व्यक्ति को संविधान के बारे बोलने का अधिकार है, हर व्यक्ति संविधान को समझ सकता है, उस पर टिप्पणी कर सकता है और उसमें सुधार की गुंजाइश अगर नजर आती है तो भारत सरकार से वो अपील करता है और अपेक्षा भी करता है कि उसमें सुनवाई होगी। आज के लिए इतना ही। हमारा ये शो कैसा लगता है आप जरूर से बताइएगा। हमारे साथ अगले शो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।